आदिवासी कृषक महिला, उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं मशरूम की खेती पे। दूसरा ये कि हमारे जो सरकार है वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है कि हमारे किसानों का आमदनी को दुगना करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, तो मशरूम की खेती ऐसा चीज़ है जो कि बहुत। सभी को मशरूम का ट्रेनिंग देने आया हूँ। मैं सभी जिला में लगभग घुमा हूँ, जिसमें देखा कि गढ़वा जिला बहुत पीछे है। इसका कारण यही है कि यहाँ का किसान जो है वो जो पुरानी तरीका से सब कर रहा है किसानी। मशरूम से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो पौष्टिक आहार है, बहुत कारगर है, कम फायदा थी, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन है उसका। इसलिए सबके प्रोत्साहन हम लोग प्रशांत करेंगे कि मशरूम का खेती का उत्पादन मशरूम खेती के लिए हो रहा है। इसमें अधिकांश माने लेडीज लोग करें और उन लोग के फायदा भी अच्छा है, कम पूंजी में और समय भी कम। और उद्यान मित्र के चयन से पूरे ब्लॉक धुरकी ब्लॉक में 8 पंचायत में से किसानों को चयन किया गया है। मशरूम का ट्रेनिंग लेने आए हैं, इससे हम रोजगार जोड़ेंगे, कुछ जोड़ के आगे बढ़ेंगे। हम लोग घर पे बैठ के कुछ काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ अपना तो रोजगार करना ना चाहिए। मशरूम का भी कर सकते हैं, इसमें उतना कुछ लागत नहीं है। बस हम एक बार इसमें मशरूम का पैकेट जो बना दिए घर में रख दिए, बस उसको सुबह से हम देखभाल करना है, उसको बचाना है, कीड़ा से, डस्ट से बचाना है। अम्बाखोरिया पंचायत सचिवालय में 64 ग्रामीण महिला पुरुष को मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के अम्बाखोरिया पंचायत सचिवालय में ग्रामीण महिला पुरुषों को मशरूम की विधिवत खेती कर आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण ब्रिशा कृषि विद्यालय के अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। रविवार को रांची से प्रशिक्षण देने आए रंजू नागेसिया, गणेश कुमार गुप्ता व अभिषेक कुमार ने बताया कि कृषि उद्यान विभाग झारखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिला व पुरुषों को सशक्त व आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए स्वरोजगार के साथ मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मशरूम ऐसा फसल है जिसे धूप, बारिश या कीचड़ की आवश्यकता नहीं है। यह बंद कमरे के अंदर भी आसानी से उगाई जाने वाली फसल है। प्रशिक्षकों ने कहा कि इसे आसानी से कम लागत पर उगाकर ग्रामीण इसे बाजारों में बिक्री कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कृषि अवशेषों से थोड़ी मेहनत से उगाया जाता है, जैसे धान का पुआल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ने की डंठल, मकई या खेतों में पाई जाने वाली घासों पर भी मशरूम को उगाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम को उगाने के लिए अवशेष आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। उद्यान मित्र उषा देवी ने कहा कि इस प्रशिक्षण में धुरकी प्रखंड के विभिन्न गांव से इच्छुक महिला पुरुष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण गोपाल केसरी ने कहा कि उनके क्षेत्र में पहली बार यहां के लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मशरूम विटामिन से भरपूर 90% मिनरल्स, विटामिन, आयरन, खनिज, लवण, पोषक तत्व व प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इससे कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नीलम देवी, बसंत सिंह गौड़, राजकुमार राम, वार्ड सदस्य सत्येंद्र कुमार सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। मेरा नाम रंजू नगेसिया है, मैं रांची से आई हूँ, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में हमने अपनी स्नातक की पढ़ाई की है और अभी हम लोग NGO आदिवासी कृषक महिला उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं मशरूम की खेती पे। यहाँ पर कितने मतलब जो भी इच्छुक हैं ग्रामीण महिला पुरुष हैं सबको दिया जा रहा है प्रशिक्षण ना? यहाँ पे सभी ग्रामीण मतलब हम लोगों को 64 लिमिट दिया गया है, 64 किसान यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं मशरूम की खेती पे। अच्छा, मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और वहाँ से गढ़वा जिला में सभी को मशरूम का ट्रेनिंग देने आया हूँ। मैं सभी जिला में लगभग घुमा हूँ, जिसमें देखा कि गढ़वा जिला बहुत पीछे है। इसका कारण यही है कि यहाँ का किसान जो है वो जो पुरानी तरीका से सब कर रहा है किसानी, वही चलते आ रहा है आज तक। यहाँ प्रशिक्षण का बहुत कमी है, इसीलिए हम लोग सोचे कि यहाँ आते हैं और इन लोग कुछ प्रशिक्षण देते हैं कि इन लोग जो सीखे वो हम लोग के साथ में सीखे। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल केसरी हुआ, मकान अम्बाखोरिया हुआ। अच्छा, ये आज आपके अम्बाखोरिया पंचायत सचिवालय में किस चीज़ का ये जो भीड़ लगा हुआ है, लोग क्या चीज़ हो रहा है? ये मशरूम खेती के लिए हो रहा है। अच्छा, इसमें अधिकांश माने लेडीज लोग करें और उन लोग के फायदा भी अच्छा है, कम पूंजी में और समय भी कम।
और लागत। अच्छा, इससे पहले यहाँ धुरकी क्षेत्र में मतलब मशरूम की खेती होती थी कि नहीं, लोगों को मशरूम के बारे में पता था? नहीं, कभी नहीं पता था, कोई पता नहीं। तो ये जो जिला मतलब उद्यान विभाग जो है प्रशिक्षण दे रहा है यहाँ क्षेत्र के लोगों को, इसे मतलब क्या लाभ मानते हैं यहाँ के लोगों को, क्या होगा यहाँ के लोग के लाभ होगा मशरूम की खेती? हाँ हाँ, लेडीज अपना भी काम कर लेंगे और मशरूम के भी खेती कर सकते हैं मशरूम उत्पादन के लिए। उन लोग को पूछताछ करके मैं यहाँ से 64 लाभुकों को सूची बना के जिला स्तरीय भेजी और उसी के मुताबिक आज कल से 5 दिवसीय ट्रेनिंग मशरूम का चल रहा है। या पंचायत स्तरीय ट्रेनिंग? प्रखंड स्तरीय है, पंचायत स्तरीय नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा देवी, उद्यान मित्र धुरकी बलो। मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है। मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं और वहां से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एनजीओ के थ्रू चलाया जा रहा है मशरूम प्रशिक्षण 5 दिवसीय हर एक पंचायत, मतलब हर एक पंचायत में, हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं आज पंचायत अम्बा खोरिया प्रखंड धुरकी में आया हूँ और यहाँ पर मतलब महिलाओं को बताया जा रहा है कि मशरूम से आप किस तरह से अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं, एक नया रोजगार चालू कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए कुछ पैसे बनाकर रख सकते हैं, खाली न बैठे खेती के साथ साथ मशरूम भी कर सकते हैं। इसमें उतना कुछ लागत नहीं है, बस हम एक बार इसमें मशरूम का पैकेट जो बना दिए घर में रख दिए, बस उसको सुबह शाम देखभाल करना है, उसको बचाना है कीड़ा से, डस्ट से बचाना है, उसके बाद फिर एक महीना में मेनली तैयार हो जाता है। ये जो मशरूम तैयार होता है ओस्टर मशरूम का हम लोग जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये मार्केट में लगभग 150 से 200 रुपये किलो बिकता है और ये बहुत ही प्रोटीन और विटामिन वाला मशरूम होते हैं। मेरा नाम कांति देवी है, घर परासपनी कला है, पोस्ट अम्बा खोरिया है, अम्बा खोरिया पंचायत में हम मशरूम का ट्रेनिंग लेने आए हैं। इससे हम रोजगार जोड़ेंगे, कुछ जोड़ के आगे बढ़ेंगे। हम लोग घर पे बैठ के कुछ काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ अपना तो रोजगार करना ना चाहिए। इसलिए हम लोग के उद्यान विभाग से दीदी लोग बताए कि वहाँ पे ट्रेनिंग चालू होगा, 5 दिन के प्रशिक्षण होगा, इसलिए आप लोग चलिए आइए और सीख करके अपना रोजगार को बढ़ाइए। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोग को बोला गया है कि 5 दिवसीय है, 5 दिन ट्रेनिंग होगा और सीख करके हम लोग घर पर जाके अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे और उनकी खेती करके। हाँ, आप राजकुमार राम। अच्छा, क्या चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 5 दिवसीय मशरूम का उत्पादन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, प्रशिक्षण लेकर के क्या कीजिएगा? प्रशिक्षण लेकर के उसका उत्पादन करेंगे। किस चीज़ का? मशरूम का। अच्छा, मशरूम क्या होता है, मशरूम के बारे में लोगों को यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को कैसे बताइएगा कि मशरूम से क्या फ़ायदा होता है? मशरूम से बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो पौष्टिक आहार है, बहुत कारगर है, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन है उसका।